नमस्कार, मेरा नाम हिमश्री हनुमान गड़ेकर है। मैं गोवा प्रोजेक्ट की रिटायर्ड लेडी मोबिलाइजर हूँ और अभी मैं महिला सहकारी संस्था की चेयरपर्सन हूँ। और एनसीआई प्रोजेक्ट ने 1994 में गोवा में जो प्रोजेक्ट शुरू किया था उस प्रोजेक्ट में मैं लेडी मोबिलाइजर करके काम करती थी। 1996 में मैंने बारदेस तालुका ले लिया और उसमें बहुत सारे एसएचजीज बना दिए। उसके बाद उस एसएचजीज को छोटा छोटा ट्रेनिंग देके उनका जो स्किल था वो आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे एसएचजीज बनाए। और 26 अप्रैल 1999 में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप सहकारी औद्योगिक संस्था की स्थापना की। उस संस्था की प्रथम चेयरपर्सन सपना मापारी थी और सेक्रेटरी मिस मनीषा लांजेकर थी, जो मेरे साथ अभी इधर है। उसके बाद हम शुरू में हमें बहुत तकलीफें आई। शुरू में कुछ भी नहीं हमारा था, फिर भी सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उन्होंने इकट्ठा हाथ में हाथ डाल के काम करना शुरू कर दिया। और बेलगाम से सारी बिजनेस शुरू कर दिया। एसएचजी से सारी कर्जा लेके वो सारी खरीदी करते थे और उसमें से 10% संस्था को मुनाफा देते थे। और उसमें से पहली बरस में हम लोगों ने 10,000 का प्रॉफिट बना दिया था। उसके बाद हम मिड डे मील करना शुरू करने लगे, कैटरिंग बिजनेस शुरू कर दिया। और ऐसा करते करते सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते बनाते संस्था का भी काम अच्छे से करने लगे। बाद में गोवा में नाबार्ड उनका सहयोग मिला, एनसीआई का बहुत सारा सहयोग मिला। उसमें पहले दुर्गादास गावड़े करके प्रोजेक्ट ऑफिसर थे, वो सब संस्था का हिसाब हमारी सचिव मिस मनीषा लांजेकर को सिखाते थे और पूरा हिसाब किताब का गाइडेंस वो खुद करते थे। उसके बाद वो भी अच्छे से हिसाब किताब देखने को लगी। हर बरस ऑडिट होता रहा और संस्था का काम आगे चलता रहा। और ऐसा करते करते अभी हमें 20 बरस हो गए। हमने बहुत से कष्ट लिए, सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे एकमेक से मिला जुला के काम करते थे। हर एक को हर चीज़ की बातें बता बता के हम काम करने शुरू कर दिया। और उसके बाद अभी हमारी संस्था को 20 बरस हो गए। पणजी बस स्टैंड में हमने एक दुकान ले लिया। वो दुकान लेते समय बहुत तकलीफें आ गई, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। सब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो खुद अपना खर्चा अपना खुद का पैसा खर्च करके संस्था के लिए काम करते थे। और ऐसा करते करते पणजी बस स्टैंड में हमने दुकान ले लिया। और अभी वो उस दुकान में करीबन 70 महिलाएं इस तरह का ईटेबल्स बना के बिक्री करते हैं, अपना संसार को ऊपर उठाते हैं। उसके बाद हमने पणजी मापसा बस स्टैंड में भी एक छोटा सा दुकान ले लिया। उधर 25 महिलाएं अपना घर का खर्चा उठाते। और फिश मार्केट में हमारे जो एमएलए थे, अभी वो नहीं है, मिस्टर फ्रांसिस डिसूजा करके, वो मिनिस्टर भी थे और उन्होंने हमें फिश मार्केट में एक छोटा सा दुकान दिया। और उधर हमारी 25 महिलाएं ऐसे ईटेबल्स बना के बेच के अपना संसार को हाथ भर लगाती है। एक बात बतानी है, ये सब करते समय हमें किसी का उतना सहकार्य नहीं मिला। अब भी हमें बहुत तकलीफें हैं। और उनमें से संस्था का खुद का एक बिल्डिंग होना चाहिए ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन उसके लिए हम सरकार से मांगते हैं कि वो हमें कुछ मदद करे। और हमारी संस्था और हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो बहुत काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको अच्छे से गाइडेंस चाहिए। वो भी
कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट यदि दे दी, सरकार दे दी, तो इससे भी अच्छा बढ़िया काम हम कर सकते हैं।